आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे ले जाना चाहता हूँ जो कि आप सबके जहन में है, और आप सबके जहन से ही नहीं बल्कि आपके दिलो दिमाग पे पूरी तरह से भारी पड़ रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? इतिहास, वर्तमान, इन सबों का एक सम्मिश्रण से ही आपका ओपिनियन बन सकता है। मुद्दा है राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। इस समय ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जेरे बहस है। दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, और ध्यान रखिएगा, आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब बैठती है तो उसमें 5 मेंबर बेंच है। ये जब बेंच बैठती है तो एक केस की जब सुनवाई करती है तो उसमें से अगर कोई जज अलग होता है तो पूरा केस फिर से सुनना होता है, क्योंकि नया जज आ गया है, वो वाकिफ नहीं है कि क्या हुआ था इसके पहले। इसलिए जो इस समय बेंच है उसी को ये फैसला देना है, वरना अगर कोई एक आदमी इसमें से हट जाता है किसी तरह से तो ये फिर से सुनवाई होगी। अब मुश्किल ये है कि चीफ जस्टिस इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, वो रिटायर हो रहे हैं 17 नवंबर को, लिहाजा फैसला उसके पहले आना है। जाहिर है जब उन्होंने टेकअप किया है तो फैसला आएगा ही आएगा। हम यहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज में है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, कोई मैंने इस पर बहुत कुछ नया कुछ खोद के लाए हैं, लेकिन ये है कि आम डिस्कशन में वो होता नहीं है। काफ़ी किताबें आईं, किशोर कुणाल की किताब लास्ट में आई, उसके पहले भी आ चुकी है, पर एक पर्सपेक्टिव में रखना तथ्यों को और उसका एक लॉजिक ब्लॉक तैयार करना ये ज़रूरी था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का झगड़ा तो ऐसे बहुत पुराना है, लेकिन आज से करीब 150 साल से ज़्यादा हुआ पहला मुकदमा 1877 में दायर किया था। उस समय का जो के मुतवल्ली थे सैयद मोहम्मद असगर, उन्होंने 1877 में ये मुकदमा दायर किया था। अंग्रेजों का शासन था, मुतवल्ली जो रखवाले होते हैं, जो रखरखाव करते हैं, उन्हें मस्जिद का मुतवल्ली कहते हैं। जब इन्होंने मुकदमा दायर किया तो उसका फैसला 1886 में, उस समय जो फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज थे FES शैमियर, उन्होंने फैसला दिया। और आप जानते हैं फैसला क्या था? फैसला था, बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि जिस जन्मस्थल को हिंदू बेहद पवित्र मानता है उस भूमि पे एक मस्जिद तामीर हुई। लेकिन ये मामला 356 साल पुराना है। ये बात उस जजमेंट में लिखी है कि चूंकि ये मामला 356 साल पुराना है इसलिए अब इस पे कोई फैसला हम नहीं दे सकते, ये कह के उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। अपील में गया मामला, लेकिन वहाँ से भी ये जजमेंट बहाल रहा। उन्होंने भी ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक ऐसी ज़मीन, बड़ा अफसोस होता है कि एक ऐसी ज़मीन पे जिस पे कि जिसको कि हिंदू बेहद पवित्र मानता है उस पर ये इमारत बनाई गई, और यहाँ ये कह के उन्होंने फैसला देने से इनकार कर दिया। आज तो 500 साल से ज़्यादा हो रहे हैं लगभग। अब जजमेंट की समस्या क्या है, जजेस के सामने समस्या क्या है? हिस्टोरिकल रॉन्ग्स अगर प्रूव हो जाती हैं तो क्या उसको 500 साल बाद ठीक किया जाए? इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, या इस समय देखा जाए कि ये जमीन किसके नाम है, इसकी मिल्कियत किसके नाम है? सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम है या निर्मोही अखाड़ा के नाम है, और कागजों पे क्या है?
अब हम आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं इतिहास में। बाबरी मस्जिद, आमतौर पे कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद ने बाबर ने इसे बनाया था। मीर बाकी उसका सेनापति था, उससे कह के उसने बनवाया था। यह हकीकत नहीं है। अगर आप बाबरनामा पढ़ें, जाहिर है तुर्की में लिखा हुआ बाबरनामा, आप किसी न किसी ट्रांसलेशन को ही पढ़ेंगे। सबसे मकबूल ट्रांसलेशन बिवरेज की है। बिवरेज का अगर ट्रांसलेशन आप पढ़ें, पूरे बाबरनामा में कहीं भी किसी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें किसी भी मीर बाकी का भी जिक्र नहीं है। हाँ, दो जगह जिक्र आया है बाकी शघावल का। बाकी शघावल एक उज़्बेक लड़का था जो बाबर के साथ था, और वो आम तौर पे कांधार के आसपास ही रह गया, क्योंकि उसने अपनी जो लड़ाई की उसे खुश होकर बाबर ने कुछ उसको रियासत दे दी छोटी मोटी, और वो वहीं रह गया। बाकी शघावल को मीर का दर्जा नहीं था। मीर बाकी के नाम का कोई भी गवर्नर या कोई भी मीर जिसने कि वहाँ पे रूल किया हो अयोध्या में या फैज़ाबाद में, ऐसा कोई भी नाम का जिक्र नहीं आता है। बाबरनामा तो छोड़िए, फिर अगर इसे मीर बाकी किसी ने बनवाया था, बाबर ने के कहने पे बनवाया था और बाबरी मस्जिद इसका नाम था, तो बाबरनामा में जिक्र नहीं है, ये एक बात है। बाबरनामा में जो जिक्र आए हैं, उस पूरे जिक्र को अगर आप देखें तो उसमें कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि किसी भी मीर बाकी का। हाँ, उसमें एक जिक्र आता है बाकी शघावल का। बाबर ने यह ऐलान किया था कि जो भी सर काट के लाएगा दुश्मनों का, उसे हम कोई रियासत अता करेंगे। लिहाजा अक्सर होता था कि वो हिंदुओं का सर ले जाते थे, या जो लड़ते थे बाबर से उनका सर ले जाते थे, ये बात सही है। लेकिन मीर बाकी नाम का कोई भी शख्स नहीं हुआ है। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। उसके बाद तुलसीदास आते हैं, रामचरित मानस लिखते हैं, पूरा रामचरित है। कहीं भी आपको किसी ऐसे मंदिर और उसको तोड़ के मस्जिद बनवाने का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। अबुल फजल फैजी अकबरनामा लिखते हैं, कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अब आप इसके बाद आइए, 1611 में फिंच एक ट्रैवलर, विदेशी ट्रैवलर यहाँ आते हैं, और फिंच ने पहली बार इसका जिक्र किया और ये कह के किया कि ये रानी चंद किला था। यहाँ पे रानी एक भग्नावशेष उन्होंने कहा, डिलेपिडेटेड कंडीशन में है रानी चंद किला। एक्चुअली अंग्रेजों में थोड़ा सा शब्द की जो प्रॉब्लम थी, वो रामचंद किले को रानी चंद कहे ऐसा माना जाता है। रानी चंद किले का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि यहाँ ये बहुत ही पवित्र स्थल हिंदू लोग मानते हैं, और यहाँ पे हमें पंडे भी मिले। यहाँ पे उन्हें उस समय भी भग्नावशेष था, लेकिन तब भी पंडे मिले, लोग आते थे। फिंच ने यह भी कहा कि हिंदू को यह भी विश्वास है कि भगवान राम यहाँ पे राम का शरीर रख के भगवान आए थे, और वो दुनिया का तमाशा देखना चाहते थे, इसलिए आए थे। ये बात 1611 में जो यात्री फिंच आया था, ये उसकी किताब में है, ट्रेवलॉग में है। अब इससे आगे बढ़िए, 1634 में थॉमस हर्बर्ट आता है, और उसका भी यही कहना है, ये भव्य सुंदर प्राचीन मंदिर एक खास यादगार है यहाँ का, जो कि अब उस हालत में नहीं है। उसने भी पंडाओं का जिक्र किया और ये भी बताया कि वो पंडा जो तीर्थयात्री आता थे, उनके 7 पुस्तों से ऊपर का भी लेखा जोखा रखते थे। ये उसको बड़ा चौंकाया, हर्बर्ट को, और वो उसने उसका जिक्र किया कि भाई यहाँ के पंडे अजीब हैं, जो कि यहाँ पे 7 पुस्तों से ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं उनके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी का जिक्र उन पंडाओं के किताब में है, क्योंकि उस समय यात्री आते थे भगवान राम के दर्शन करने। सवाई जयसिंह
ने जमीन खरीद कर एक जयसिंहपुरा बनाया था, और ये जो जयसिंह के पास जो दस्तावेज थे वहाँ पे जो तामीर हुआ था, अब वहाँ पे जयसिंह के दरबार में सिटी पैलेस में कभी आप म्यूज़ियम जाइए तो आपको इस समय भी मौजूद मिलेगा। और इस मैप के अनुसार है कि तीन गुंबद मंदिर के हैं, तीन शिखर हैं, ये बताया गया है, जो हिंदू मंदिरों का आर्किटेक्चर होता है। और ये जो राम मंदिर का आर्किटेक्चर था वो जयपुर उससे लिया गया था, आर्किटेक्चर से लिया गया था। वहाँ ये भी बताया गया कि एक राम चबूतरा था वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें जिक्र में है। अब आते आते यहाँ पे एक ट्रेवलर आता है, टाइफन थैलर। टाइफन थैलर पहली बार इसका इस्तेमाल करता है कि हाँ, ये 38 साल रहा भारत में, और उसने जिक्र किया कि एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया गया। ये पहली बार वहाँ जिक्र आता है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया गया और इस मस्जिद में तीन बुर्ज थे, ये बताया उसने। औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर ने एक किताब लिखी, उसने ज़रूर जिक्र किया कि हाँ, इसे औरंगजेब ने मस्जिद मंदिर तोड़ के बनवाया था। ये औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर ने ये अपनी किताब में लिखा, ये दूसरी बार ये जिक्र दोनों आप लगभग मिलाएं तो एक ही तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये है कि ये ज़मीन, वैसे भी अगर आप देखें तो बाबर के पास कोई खसरा खतौनी तो थी नहीं, या किसी मीर बाकी को मान लें तो उसके पास ज़मीन की मिल्कियत कहाँ से थी। तो आप जब आए, बाहर के लुटेरे थे तो आपने वहाँ पे लूटपाट करके ही तो बनवाया होगा। अयोध्या में आपके पास परदादा की ज़मीन तो थी नहीं, तो ये ज़मीन हासिल कैसे हुई? आपने ज़बरदस्ती करके, और उस समय आप जानते थे बाबर का टेरर हुआ करता था, औरंगजेब का टेरर हुआ करता था, तो वो मंदिर, और मैंने बाय चांस वो देखा है मंदिर, जब वो था, इमारत थी तो हमने देखा है, उसके ध्वस्त होने के बाद भी मैं गया हूँ, ध्वस्त होने के बाद भी मैंने देखा है कि क्या हालत थी। कोई भी देखते हुए बेसाख्ता कह देता है, अरे ये तो मंदिर तोड़ के बनवाया गया है। जाहिर है कि जब औरंगजेब के कहने पर तोड़ा गया होगा तो वहाँ पर एक शिलापट लगाया गया होगा और उस पर लिखा होगा कि इसका ये बाबरी मस्जिद है और किसी मीर बाकी ने बनवाया है, ये शिलापट लगा होगा। तो एक बात तो साफ है कि बाबर ने नहीं बनवाया, मीर बाकी कोई नहीं था जिसको बाबर ने इंस्ट्रक्शन दिया। अब ये यहाँ पे आके बात रुकती है कि अंग्रेज़ों के टाइम में ये वो काल था जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहद नाराज हुई। वक्त है 1811-12-13 के आसपास, और इसके बाद से 1857 के रिवोल्ट तक नाराजगी, पार्लियामेंट में रोज हंगामा होता था। मैं आप ताजुब करेंगे कि लॉर्ड मैकाले ने, जिनको कि भारत में बहुत ही खराब नजरों से देखा जाता है, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहां अफसर थे, कहा कि ये वर्चुअली 2% के अफसर जिनका कोई IQ नहीं है, बेहुदा है, ये शायद इंग्लैंड में रहते तो इनको किसी कोई नौकरी भी मिलती कि नहीं, ये लोग वहाँ पे भेजे जा रहे हैं, और चूंकि लो इंटेलिजेंस लेवल के ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे अफसर बन जा रहे हैं, अकूत इनके पास शक्ति होती है, तो लिहाजा हर वो गंदगी कर रहे हैं, करप्शन से लेके हर वो बुराई है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले की स्पीच है 1833 की। 1811 तक हम आते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रूफ करना था कि नहीं साहब, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे, लिहाजा उसने जेम्स मिल को, जो कि एक पादरी था, उसको इतिहास लिखवाया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 6 वॉल्यूम में, और कहा कि ये नालायक हैं, ये सब तो पता नहीं जंगली टाइप के लोग हैं, इनको तो कंट्रोल करने में ही पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आमदनी है वो लगी जा रही है। 6 वॉल्यूम में जेम्स मिल ने ये चीजें लिखी, अगर आप चाहेंगे तो आज भी मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जबकि चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे थॉमस मुनरो से लेके कर्नल स्लीवन तक सब ने कहा कि नहीं साहब, अद्भुत ये देश है,
अद्भुत देश है। भले ये गवर्नेंस के मॉडल नहीं जानता हो यूरोपियन, लेकिन इस देश की जो नैतिकता है वो अद्भुत है। ये बात थॉमस मुंडो से लेकर बहुत लोगों ने कही, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतन पे था और फिर अपने बेटे को भी करीब 1830 के आसपास अपने बेटे को भी इस रिवार्ड में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी में रखवा दिया करीब 5 गुनी तनख्वाह पे। जेम्स मिल का बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि बाद में बहुत बड़ा फिलोसोफर पॉलिटिकल साइंटिस्ट बना, उसकी विद्वता में कोई शक नहीं है, लेकिन जेम्स मिल अगले 25 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में रहा, तब मोटी तनख्वाह भी मिलती रही। लिबर्टेरियन परसूट के लिबर्टी के एक मसीहा के रूप में भी उसे माना जाता है, लेकिन यह मैंने चाहा कि आपको बता दिया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी हालत में थी। गोरखपुर के डिवीजन कमिश्नर फ्रांसिस बुकनन से कहा गया कि प्लीज जरा सर्वे करके सारे लैंड को लैंड रिकॉर्ड सही कर दीजिए। बुकनन साहब आते हैं और इस अयोध्या को बाबरी मस्जिद डिक्लेयर करके सरकारी कागज में वो डाल देते हैं 1813-14 में। बस वहीं से ये सिलसिला शुरू होता है कि नहीं साहब ये तो बाबरी मस्जिद है। 1813-14 में जब ये करते हैं फ्रांसिस बुकनन उसके बाद कह के चले गए। उस समय से ये झगड़ा, फिर 1877 में मुकदमा मुतवल्ली दायर करते हैं और शेवियर जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उनका फैसला आता है कि बड़ा अफसोस होता है देख के कि ये हिंदू जिसको इतना पवित्र स्थल अपना मानते हैं उस पर एक इमारत एक मस्जिद खड़ी है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1937 में सरकारें बनती हैं राज्यों में। कम से कम उस समय जो सरकार थी, जाहिर है कांग्रेस की सरकार थी, इतना तो कर सकती थी कि इसको रिवर्स करे, सेट राइट करे, लेकिन उसने भी अपने दस्तावेज में इसको यथावत ले लिया कि ये बाबरी मस्जिद है। वो दिन और आज का दिन ये उन रिकॉर्ड्स में इस तरह से आ गया। अब ये तो इतिहास की बात हुई, अब हम आपको एक नए पहलू पे ले जाना चाहते हैं। दो चीजें होती हैं तर्कशास्त्र में, हिस्टोरिसिज्म एंड प्रेजेंटिज्म। हम वर्तमान वैल्यू सिस्टम को क्या इतिहास पे चस्पा करें, या जो इतिहास में गलतियां हुई हैं आज के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम उसको देख के इस समय दुरुस्त करें। गौर से सोचिए, उस समय का वैल्यू सिस्टम दूसरा था। बाबर नामा में एक जिक्र आता है, एक फतहनामा, किसी उसके सैनिक ने कहीं से फतहनामा कहीं जीता होगा तो एक रुक्का था, एक ड्राफ्ट था, फतहनामा वो लेके आया तो बाबर ने उसके नीचे लिखा, उस फतहनामा पे मैंने लिखा है। बाबर ने ये फर्स्ट पर्सन में बाबरनामा पूरा जिक्र किया है। उसे कहा कि मैंने लिखा कि जब मैं चला था तो मुझे भरोसा नहीं था, मैं तो सिर्फ अल्लाह का काम करने जा रहा था। जंगल, झंझावात, प्राकृतिक आपदा, काफिरों से लड़ते में, बुत परस्तों से लड़ते में, पैगन्स से लड़ते में, हमें लगा कि हम अल्लाह के काम आ जाएंगे, लेकिन मैं जिंदा ही नहीं हुआ, काफिरों को ख़त्म किया और आज मैं गाजी हुआ। ये बात उसने बड़ी ही फख्र से कहा है। काफिरों को मारना उस समय गाजी होने का एक सबब था, लिहाजा बाबर ने यह कबूल किया। ये उस समय की थी, भारत में आज डेमोक्रेसी है। लेकिन आप गौर कीजिए, सत्ता आती है तो ताकत कितनी मिल जाती है और क्या कयामत करते हैं। आप जानते हैं सत्ता की ताकत कितनी होती है, और उस समय जब बादशाहत होगी, तलवार के बल पे सब कुछ कानून बनता होगा, उस समय बहु बेटियों की क्या हालत होती होगी जो तथाकथित काफिर होंगे, पैगंस होंगे, मूर्ति पूजक होंगे, और उनको मारना सबाब होता होगा। बाबर के सिपाही ये हासिल करके थाली में ले जाते होंगे, बाबर खुश होता होगा क्योंकि उसको लगता होगा ये बहुत बड़ा पुण्य किया उसने, क्योंकि उस समय की कॉन्शसनेस लेवल यही था, लॉजिक पावर थी नहीं,
साइंटिफिक थिंकिंग होती नहीं थी, खैर वो तो आज भी नहीं हो रही है। अब सीधी सी बात है कि क्या करें, जजेस के दिमाग में ये दो चीजें होंगी, ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं से वो एक इमारत जो कि बाबरी राम मंदिर था उसे ध्वस्त किया। बात औरंगजेब की हो तो हम अगर मान लेते हैं कि बाबर के टाइम नहीं, लेकिन तब भी कोई आज की तो है नहीं, कई सौ साल पहले की बात है, तो इस समय वो क्या कर सकता है? जजेस के दिमाग में जो होगा, क्या इस समय जो केस है वो सिर्फ है टाइटल सूट का कि ये मिल्कियत जमीन की किसके पास है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो तिकड़म से खसरा खतौनी में नाम आ गया किसी फ्रांसिस बुकनन कमिश्नर के कहने के बाद 1813 में, या किसी यूपी गवर्नमेंट पे जब होम रूल हुआ उसके बाद से यूपी गवर्नमेंट ने कभी नहीं इस पे ध्यान दिया, ये मान लिया जाए कि तो वही सही था? तो सही जब आप इतिहास पे जाएंगे तो सही कुछ और है, वर्तमान वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अलग है। ये भ्रमद्वंद जजेस के सामने रहेगा ही रहेगा कि हमें क्या सिर्फ कागज देखना है, कागज की मिल्कियत देखनी है, इतिहास में जाना है, बैकवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लॉजिक करना होगा और तब देखना होगा कि इस वैल्यू सिस्टम को माने चाहे नहीं। लेकिन अगर बाबर ने ये जबरदस्ती किया है, अगर बाबर को मान ले या औरंगजेब ने किया है, तो क्या उसको हमें आज दुरुस्त करना चाहिए? फिर लेकिन दिक्कत ये है कि औरंगजेब ने तो बहुत कुछ किया, बाबर ने बहुत कुछ किया, क्या आज हम हर चीज वो रिवर्स कर पाएंगे? सभ्य समाज में शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन ये चीज तो करनी होगी क्योंकि आपके एक बहुत बड़े स्टेक्स क्या हैं। हिंदुओं के वो सबसे बड़े भगवान का जन्मस्थल है, हिंदू उन्हें देवता मानता है, भगवान राम, ये उनके जन्मस्थल का सवाल है, और ये मुसलमानों के एक मस्जिद का सवाल है, एक ये भी कारण है कि स्टेक किसके ज्यादा है। हालांकि ये लॉजिक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें लॉजिक के परे होती हैं, लॉजिक इज नॉट लाइफ, तो उसके परे होती हैं। तब आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, जो हिस्ट्री में रॉन्ग गलतियां हुई हैं, क्या उसको सेट राइट करना होगा अब, और कहां तक जाके करना होगा, क्या क्या करना होगा, ये जजेस के दिमाग में रहेगा ही, किसी के भी रहेगा, आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, अगर रेशनली सोचते हैं बिल्कुल तर्क के हिसाब से, अपने प्री कंसीव नोशन से हटके। लेकिन इसे कैसे छोड़ दे, ये जानते हुए कि हमारे सबसे बड़े आराध्य देव का मंदिर है, ये हिंदुओं का भाव है, माइनॉरिटी में है मुसलमान, तो उसको शक है कि अगर ये लेंगे तो फिर मथुरा और काशी भी होगा, क्योंकि ये भी औरंगजेब की वो ग्रैंड डॉक्टर ने लिखा है कि ये तीनों मंदिर तोड़ के बनवाए गए थे, तो मुसलमानों को ये डर है फिर उसके आगे क्या होगा। ये एक है भ्रमद्वंद। अभी एक इसी ये जो बेंच है इसके एक जज ने एक नई थ्योरी, नई तो नहीं है, है तो काफी पुरानी, लेकिन एक नया कंसेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। साबरीमला के जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिसको कि आप एक अन्य सेमिनार में अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल दोनों ने क्रिटिसाइज किया, कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या चीज होती है, ये नया इन्वेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही और बड़ा वैलिड था कि भाई जजेस को जजमेंट देते समय डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कि हमें संवैधानिक नैतिकता क्या है ये देखनी होगी। अब ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पैरामीटर में क्या क्या आता है, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो होती हैं वो आता है कि नहीं, वर्तमान को सिर्फ आप कागज पे देखेंगे बाकी हकीकत नहीं देखेंगे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में आएगा? वर्तमान के वैल्यू सिस्टम रखना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगा। मेरे ख्याल से ये चीजें जजेस के दिमाग में लगातार कौंद रही होंगी, जब जब ये केस की सुनवाई होती है और लगातार हो रही है ये होगा। तो इसलिए आज हमने आपको इस विषय पर सिर्फ इसलिए बताया कि ये फैक्ट्स हैं, इसी के इर्द गिर्द आप अपना ओपिनियन बिल्ड करें और फिर समझें कि क्या हो सकता है। जाहिर है एक आराध्य देव का मामला है एक तरफ और दूसरी तरफ एक मस्जिद का मामला है, अगर समझौते से हो जाए तो शायद इससे बड़ी कोई अमन के लिए इस देश में कोई चीज़ हो नहीं सकती थी, नहीं हो पाया।
कारण चाहे जो भी हो, आज के लिए इतना ही। ओह माय गॉड, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।